भैया इसे कहते हैं असली रोड, गिलगिली वाला रोड। ये रोड ऐसे है सांप, वो कहते हैं सांप बना दो सांप बना दो, यहाँ तो रोड है सांप बनी हुई है। सामने देखो गाड़ी ऐसे जाती है ऊपर से नीचे दम 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 दम, और गिलगिली चलती है खतरनाक वाली। और गाइस ये देखो अभी आने वाली है जैसलमेर बॉर्डर कुछ ही देर बाद में। और ये देखो यार पूरा यहाँ का इलाका बिल्कुल सुनसान है, इधर कोई भी नहीं है यार। ये तो वो छालिया चल रही है, छालिया पता नहीं कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी पीकर शराब ना चलाए। और आगे वो गिलगिली वाली रोड फिर से आ गई, देखो रोड है मस्त है इधर यार, रोड है एक नंबर है। बारिश नहीं होती ना तो खराब भी नहीं होती। अब अपने इधर तो क्या बारिश ज्यादा होती है, खड्डे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, इधर कुछ भी नहीं है। बस गिलगिली चली गई फिर से, सामने देखो कुछ नहीं दिखता, सामने आ गई तरफ एकदम से, और फिर एकदम से ही रोड आ जाती है। गाइस यार इधर एक चीज मैं देख रहा हूँ कि मंदिर तो है लेकिन मंदिरों में एक मतलब एक फर्क है। मतलब अपने उधर माँ जगदम्बा का मंदिर है, जैसे हमारे उधर माँ जगदम्बा देवी का मंदिर है उसे वहाँ कहते हैं माँ जगदम्बा, लेकिन इधर उसका नाम जगदम्बा ना हो कि जगतम्बा है। ये क्या सीन है, ये तो गाइस बोर्ड लगा हुआ है। तो जो लोंगे वाला है वो यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है जी हाँ गाइस। और यहाँ से आप जा सकते हैं, देखो तन्नोट के लिए भी रास्ता जाता है, रनोतोर रनोतार के लिए भी, किशनगढ़ के लिए भी, असुतार बांधा, ये पता नहीं कौन कौन सी अजीब सी जगह है। तो ये एक चौराहा है, तो लोंगे वाला मेरे हिसाब से बिल्कुल सीधा है। ये देखो पूरा सर्कल बना हुआ है चौराहा, तो अपन लोंगे वाला जा रहे हैं, लोंगे वाला बॉर्डर। भाई पता नहीं रोड कैसे बनाई होगी यार, सामने देखो कितनी जोरदार है पूरा, देखो चारों तरफ कुछ भी नहीं है। गोरखा कोई मद्रासी सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। ये 10 लाख की बात है। यहाँ से फायरिंग होती है। ओ भाई ये जोरदार लग रही है यार। यहाँ से फौजी फायरिंग करता है, ये जो छोटे छोटे छेद है ना इनसे। ये बंकर 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 बोलते हैं, इसमें से चलते हैं। हाँ ये बंकर, और ये कोठड़ी जोरदार है। आजा कोठड़ी अंदर से दिखा। चार फौजिया, चार फौजियों के लिए यही है। चलो चलो आगे मशीन गन, चल चल यहाँ हेलीपैड भी है यार, मशीन गन और दुश्मनों को बर्बाद करते हैं। भैया ये है तो जंग के अंदर कभी काम में ली गई, लेकिन जंग इतनी खतरनाक हुई, जंग खत्म हो गई लेकिन तोपें यहीं पे रह गई। देखो भाई इसको चीज तरीके की होती है तोप, जो कि जंग के अंदर इस्तेमाल ली जाती है। हम ऐसे ही घूमने आए थे तो सोचा आपको भी ये तोप दिखा दे, क्योंकि ओ ये घुमाने का है। इसका घेर देखो यार कितना बड़ा है, और भी यहाँ पे एक और चीज़ें जो कुछ और चीज़ें वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें से ओ भोले की नाल भाई, कैनन ये अपने वाले कैनन से भी बड़ी टैंकर वाली। चला के देख प्रताप कैसे चलती है। क्या MRF का? चला ना यार, गाइस देख सकते हो कि बहुत बढ़िया जिप्सी गाड़ी अभी भी काम करता है। ऊंचा हो रहा, देख देख ऊंचा करियो, ऊंचा करियो। हाँ देखो ये कैनन
निशाना निशाना लगाने के लिए बिल्कुल। देखो जैसे जैसे घुमाते ना पर ये ऊपर नीचे होती है पूरा एडजस्ट होती है पूरा। हां लगा चालू कर बूम हो गया सेट हो गया सेट है पूरा ओके ठीक है। हां पाकिस्तान वाले गए ये देख झंडा है अभी तक अभी भी तैयार है टैंक पूरा मस्त तैयार टैंक। हाँ असली लाल है लोंगिया वाला कुछ भी रू पानी की बोतल नहीं वो है पानी की बोतल वाली पानी बोतल ये क्या है लैंटर्न है और ये कंपास कंपास ये तो खैर और ये हमारे सारे फौजी भाई जिन्होंने लड़ाई की थी काफी सारी ये सारे सुबह सुबह ये दूरबीन ये क्या हेलमेट ये कंपास और ये लेवल वन का हेलमेट अच्छा लेवल वन और ये सारे मेडल वगैरह जो उनको मिले हैं जी ना बिल्कुल और ये पूरा म्यूजियम है इधर आ अब ये वाली गन देख ये वाली कौन सी ये वाली तो गन है तो ये दूरबीन है ना कलर है ना हाँ। और ये कंपास ये शेल है शायद किसी चीज का ये वो जो तोप में चलता है ना गोला शेल हाँ उसके पीछे का शेल गन का नाम क्या है गन का नाम है पता नहीं कौन सी ये मैंने वो गेम में खेल रखी है बैटल फील्ड के अंदर ये मोबाइल फोन रेडियो है हाँ जो रेडियो इसमें खाना खाते थे इसमें मैंने खाना खा रखा है इसमें खाना खा रखा है हाँ मैंने खा रखा है और ये कोई लैंटर्न है बिजली द्वारा इलेक्ट्रिक लैंटर्न है लाइट ये बड़े कंपास वही सेम चीज़ें रखी हुई है और ये गन्स ये ओरिजिनल है क्या या डुप्लीकेट है ये ओरिजिनल लग रही है मेरे को ओरिजिनल है इंसास लग रही है और ट्रॉफीज में अंदर चल अंदर तो ये नेक्स्ट रूम है ये गन ओ भाई राइफल है ये तो बंदूक आवाज़ की है और ये वो है ना मशीन गन नहीं है हाँ मशीन गन ही है वो लिखा हुआ है ना मशीन गन साथ हाँ मशीन गन एक साथ 100-200 एक साथ ये देख बुलेटिन की गोलियों से डिजाइन कैसे लिख रखी थी चलो कर अरे डबरे थोड़े दो गाड़ी आप देख सकते हो कि ये जो ब्लूट्स है ये ब्लूट्स है ब्लूट्स नहीं बुलेट 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 टैंक राउंड है और ये दूरबीनें वगैरह है तो भारी हो गया था ये माइंस ये हमारा वर्मा आर्मी ये माइंस शहीद हो गए थे ये उनके शैल है और ये जो जिन्होंने बॉर्डर पे गन मशीन से हमला किया था और ये हमारे नाम क्या है इनका धर्मवीर सिंह जी धर्मवीर सिंह रियल है क्या हाँ और ये है हमारे एम एस भावा जो कैप्टन थे उस टाइम में ठीक है और ये है हमारे सर जगजीत सिंह गोले का राउंड करते थे और ये तो बहुत पुरानी तोप है इसकी डिजाइन बनाई गई है यहाँ देख ये देखने थे ये जो सेफ सारी गोलियों के वो है नहीं नहीं बक्से जन गोली होती टंकी बम ये देखो ये पड़े सेफ पड़े बम ये वाली गन तगड़ी है आप आगे जाइए हमारे पास अभी हेलीकॉप्टर भी मौजूद है अगर अभी यूट डर जा रही वाह यार यहाँ से फायरिंग हुई थी यूं टैंक गायब
और टैंक बार टूटे हुए उनका सारा नक्शा है। ये अपने टैंक वहाँ पर वो जीप वगैरह फौजी वगैरह वो वाली जीप और वो सब यही है। और ये आउट ऑफ म्यूजियम, ये अभी नया बनाया है, देखने लायक चीज है। ये देखो ये एक टैंक खड़ा है, ये टैंक खड़ा है और ये एरोप्लेन पुराना टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये टैंक है, ये एरोप्लेन जेट है पूरा और काफी काम चल रहा है इनका, बढ़िया चीज़ है।